दोस्तों रुपिंदर गांधी की फिल्म तो बाद जिमें देव खरोड़ की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनी। उसे तरह ही इसे फिल्म नाल इंडस्ट्री डेब्यू करने वाले जगजीत संधु जो कि भोले के किरदार नाल बहुत फेमस होए उन्होंने भी बहुत बड़ी गिनती च फैन बने। तो अज इसे कलाकार के बारे जानकारी साझी कर जा रहे हैं कि किमें एक छोटे जिहे पिंड चो निकल के वह फिल्मों तक पहुँचे तो पिंड के लोग की बोलते रहे उन्होंने पिठ पिछे। थोड़े दोस्त गगनदीप वालों पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल। जगजीत संधु ने कई फिल्मों अपनी जबरदस्त कॉमेडी ते एक्टिंग दिखाई, पर थानू किस फिल्म च उन्हां दा किरदार सब तो वधिया लग्या कमेंट करके जरूर दस्यो। ते जे जानकारी वधिया लगी तो वीडियो नू लाइक करना ना भुल्यो। दोस्तों होर मशहूर लोगों ते सितारियां बारे इंटरस्टिंग जानकारी ते उन्हां दी बायोग्राफीज देखने लई तुसी उपर दिते आई बटन ते क्लिक करके देख सकते हो। सो जानदे हां हुण जगजीत संधु दी लाइफ ते करियर दे बारे। 8 जून 1991 नूं जगजीत संधु दा जन्म होया फतेहगढ़ साहिब दे पिंड हिम्मतगढ़ छन्ना च पिता गुरदीप सिंह संधु दे घर। अपनी स्कूलिंग पिंड तो पूरी करने मगरों जगजीत संधु ने पंजाबी यूनीवर्सिटी तो ग्रैजुएशन पूरी की थी, ते फिर पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो आर्ट्स च मास्टर डिग्री हासिल की थी। जगजीत संधु के एक्टिंग के शौक की गल करिए उन्होंने एक्टर बनने बारे स्कूल पढ़न के दौरान ही सोच लिया। उन्हों का कहना है कि छोटे होंदे जदों स्कूल च पढ़ रहे थे तो वह काफ़ी शरारती रहे ने, तो उन्होंने शरारतों को देख के उन्होंने पढ़ाने वाले धर्म सिंह नाम के उन्होंने टीचर जगजीत स्कूल च होने वाले हर तरह के प्लेस तो होर एक्टिविटीज हिस्सा दवा लग गए। तेवी एक बार निर्वैर सिंह धालीवाल जो कि डायरैक्टर ने जगजीत को अपनी थिएटर टीम च कास्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने टीम च एक बच्चे की लोड़ सी। जगजीत तो थिएटर करवाते तो बदले च 10 रुपए उन्होंने दे देंदे जिस नाल जगजीत भी खुश हो जाते। इतने तो ही जगजीत का थिएटर शुरू होया तो थिएटर ही उन्होंने लिए सब कुछ हो गया। 5वीं क्लास पढ़न के दौरान ही जगजीत संधु ने सोच लिया कि मैं थिएटर ही करना है तो NSD च जाना है। छोटी उम्र तो ही थिएटर नाल जुड़न वाले जगजीत संधु ने फिर पटियाला रह के प्रोफेसनल थिएटर ग्रुप्स नाल काम किया जिन्हां च वह पंजाब के कई पिंडां च गए जिथे उन्होंने कई नुक्कड़ नाटक किए। कॉलेज पढ़न के दौरान उन्होंने कई यूथ फैसटिवल से हिस्सा लिया तो 3 गोल्ड मैडल भी जितते, पर जगजीत कहते हैं कि वह पंजाबी थिएटर तो थोड़ा बाहर निकल के देखना चाहते सी जो कुछ होर सबजैक्ट्स से भी थिएटर कर सकन, जिसलिए उन्होंने NSD च एडमिशन लिए फॉर्म भरे तो दिल्ली जाके NSD लिए टैसट भी दिता, पर वह टैसट चो पास नहीं हुए। फिर जगजीत संधु की मुलाकात हुई नीलम मान सिंह जी नाल ते उन्होंने कहने ते ही जगजीत ने पंजाब यूनीवर्सिटी च उन्हां दा थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जिथे तो इंडिया के कई वड्डे शहरां च जाके जगजीत संधु ने थिएटर किया ते उन्हां दी एक्टिंग च होर भी ज़्यादा निखार आया। दोस्तों पंजाब यूनीवर्सिटी च थिएटर करन दे दौरान ही जगजीत संधु नूं अपनी पहली फिल्म मिली रुपिंदर गांधी द गैंगस्टर। जगजीत संधु की उम्मीद के मुताबिक ये फिल्म हिट होने के चांस उन्होंने बहुत घट लगते हैं क्योंकि फिल्म च सारे ही नवे चेहरे से, पर उन्होंने उम्मीद तो उल्ट फिल्म सुपरहिट रही जिस उन्होंने वालों निभाया गया भोले का कॉमेडी किरदार दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस तो बाद उन्होंने किस्सा पंजाब, रब द रेडियो, रुपिंदर गांधी द गैंगस्टर 2, रोकी मेंटल, सज्जन सिंह रंगरूट, डाकुआ का मुंडा, काका जी, रब द रेडियो 2, छड़ा, मिट्टी विरासत बब्बर की 1921 फिल्मों देखा गया। इस दे नाल ही जगजीत नैटफ्लिक्स की लैला नाम की वैब सीरीज भी काम कर चुके हैं जिस उन्होंने एक नैगेटिव किरदार निभाया। यह वैब सीरीज तो हिट रही ही पर पंजाब तो बाहर भी इसने जगजीत को पहचान दवाई। अमेजोन प्राइम जिहे वड्डे प्लेटफॉर्म तो रिलीज़ होने वाली एक होर वैब सीरीज भी जगजीत नज़र आएंगे, पर जगजीत कहते हैं कि अजे तक उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री यहोजा कोई किरदार करने नहीं मिले जो करके उन्होंने तसली मिल सके। जिस तरह का किरदार उन्होंने लैला वैब सीरीज किया क्योंकि उन्होंने कॉमेडी नालों नैगेटिव किरदार करने बहुत पसंद ने, तो जगजीत चाहते हैं कि पंजाबी सिनेमा हुण कॉमेडी तो अगे वधे तो कुछ फ्रैश नवे टॉपिक लैके आए तो कुछ नवं करने मिले। दोस्तों जो जगजीत संधु ने अपने फिल्मी करियर की प्रोफेसनल तौर पर शुरुआत की सी तां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दसिया कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म लई 15,000 तो दूजी फिल्म लई 30,000 रुपए मिले। जगजीत संधु का नाम अज पंजाब के वड्डे कलाकार चाहता है, पर इत्थे तक पहुँचण का रस्ता भी आसान नहीं सी। हर पंजाबी परिवार की तरह ही एक्टिंग ते थिएटर नू मरासियां दा काम दस के जगजीत संधु का परिवार भी उन्होंने थिएटर छड़ अपनी जिंदगी सुधारन लई बाहर जाण लई कहिंदे सी ते उन्हां दे पिंड ते चाचे ताए का परिवार भी उन्हां ते हसदा सी, पर जगजीत संधु कहिंदे ने कि मैं ठेठ बन के लोकां दीआं गल्लां सुणदा रहा, मेरे पिंड वाले ही मैनू मिलण तो कतराउंदे ते कॉलेज समय भी इहो जिहे बहुत सी जो देख के पिट कर लैंदे सी, पर अज उही लोक ते रिश्तेदार नाल खड़े होकर फोटो करवाउंदे ने ते जिहड़े दोस्त देख के पिट कर लैंदे सी ओह भी अज मान नाल दसदे ने कि इह मुंडा साडे नाल पढ़दा सी। दोस्तों फिलहाल जगजीत अपनियां आउण वालियां कुछ होर फिल्मां नूं लैके बिजी चल रहे ने।
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।